वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बेसिक ग्रामर सेक्शन में नाउन में नंबर्स बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, नंबर्स में टू टाइप के इंग्लिश में नंबर होते हैं, उनके बारे में हम उसका विथ कॉन्सेप्ट इसमें हम पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा लें, और इसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत। नाउन इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट रेफर्स टू वन पर्सन और वन थिंग। अ नाउन इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट रेफर्स टू वन पर्सन और वन थिंग्स। यानी कि यहां संज्ञा को एक वचन कहा जाता है यदि वो एक व्यक्ति या एक वस्तु को संबोधित करती हो। एग्जाम्पल्स, कैट, कार, वर्ड्स, वर्ड, पेन, लेक एक्सेट्रा। द लेडी इन द शॉप, इसमें ये सिंगुलर नाउन है। लेडी क्या है? सिंगुलर नाउन। और अ नाउन इज सेड टू बी प्लूरल इफ इट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग। संज्ञा जब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं को संबोधित करती है तो उसको प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन कहा जाता है। एग्जाम्पल, कैट्स, लेक्स, टॉयज, बॉयज, गर्ल्स, क्लासेज एक्सेट्रा। नोट, ओनली काउंटेबल नाउन कैन हैव अ प्लूरल फॉर्म। इसका ये कॉन्सेप्ट याद रखना दोस्तों, ओनली काउंटेबल नाउन कैन हैव अ प्लूरल फॉर्म। सिर्फ गणनीय जो संख्याएं होती है जिनको गिना जा सकता है, उनके ही प्लूरल फॉर्म बनते हैं। सभी नाउन के प्लूरल फॉर्म नहीं होते, उन्हीं नाउन के प्लूरल फॉर्म बनाए जा सकते जो काउंटेबल। नेक्स्ट, व्हेन वी चेंज अ सिंगुलर नाउन टू प्लूरल फॉर्म, वी जनरली एस और ईएस एज अ सफिक्स टू द नाउन। जब हम नाउन सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, तो सामान्यतः हम इसके नाउन के अंत में एस या ई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कैट का प्लूरल कैट्स, बुक बुक्स, डॉग डॉग्स, ट्री ट्रीज, हॉर्स हॉर्सेज, डोर डोर्स, मैट मैट्स, ईयर ईयर्स, बस बसेज, बेंच बेंचेज, बॉक्स बॉक्सेज, क्लास क्लासेज, हीरो हीरोज, फॉक्स फॉक्सेज, इंच इंचेस, ग्लास ग्लासेज। नोट दैट नाउन एंडिंग इन द साउंड हिजिंग साउंड एस डबल एस सी एच एस एच एक्स एड ई एस टू द सिंगुलर फॉर्म। जब किसी नाउन का उच्चारण सा एस, यानी कि जिसके अंत में एस हो, डबल एस हो, या सी एच हो, या फिर एस एच और एस एक्स हो, एस एच और एक्स हो, तो हम इसके अंत में ई एस, सिंगुलर नाउन के अंत में ई एस लगा करके प्लूरल नाउन बनाते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म तैयार करते हैं। मोस्ट नाउन एंडिंग एफ एफ ई फॉर्म द प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इनटू वी ई एस।
ज्यादातर नाउन जिनके अंत में एफ या एफ ई आता है उनको हम एफ या एफ ई को वी ई एस में चेंज करके प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, काफ, सी ए एल एफ, काफ। इसका जो अंत में एफ आया हुआ है इसलिए इसका हम एफ को चेंज कर देते हैं वी ई एस में, इसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है काफ्स। हाफ, हाफ्स। लीफ, लीव्स। सेल्फ, सेल्फ्स। हाफ का हो, हाफ्स हो गया। वाइफ, वाइफ्स। नाइफ, नाइफ्स, एक्सेट्रा। However, some nouns ending F form their plural in the normal way. Proof, S add कर देंगे, proofs. Dwarf, dwarfs. Hoof, hoofs. Roof, roofs. Chief, chiefs. Most noun ending in O form their plural by adding ES to the singular and some form plural by adding s to the singular. तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में o आता है तो o को o के बाद आपको es लगा करके इसको plural form में चेंज करते हैं। Examples like piano, last letter इसका o है तो आपको es लगा करके plural form में चेंज कर देंगे piano। पोटैटो, पोटैटोज। टोमैटो, टोमैटोज। तारपीडो, तारपीडोज। मास्किटो, मास्किटोज। मैंगो, मैंगोज। और हीरो, हीरोज। स्टूडियो, स्टूडियोज। इसमें आपने मोस्ट में क्या किया, इसमें एस या ई एस लगा करके इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज किया है। अब नेक्स्ट हम इसका देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ नाउन एंड्स वाई। यदि किसी नाउन के एंड में वाई हो, वाई हैज कॉन्सोनेंट बिफोर इट, और इसके ठीक पहले, वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, इट्स अ प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द वाई इनटू आई ई एस। तो इसका प्लूरल फॉर्म बनाते समय वाई को आई ई एस में चेंज कर देते हैं। लाइक लेडी, लेडी का जब प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो वाई को आई ई एस में चेंज कर देना है, बिकॉज वाई के बिफोर में आप जस्ट बिफोर में देखते हैं तो यहाँ पर डी है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। तो आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट क्या है, जब किसी नाउन का लास्ट लेटर वाई हो, वाई के जस्ट बिफोर आपको कॉन्सोनेंट अगर नजर आता है तो आप वाई को आई ई एस में चेंज करके इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। तो लेडी का लेडीज, डायरी, डायरीज, बेबी, बेबीज, सिटी, सिटीज, फेरी, फेरीज, कंट्री, कंट्रीज, बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज, स्टोरी, स्टोरीज, बॉडी, बॉडीज, रिप्लाई, रिप्लाइज, आर्मी, आर्मीज, फैमिली, फैमिलीज। हाउएवर इफ द नाउन एंड्स विथ द वोवेल प्लस वाई, यदि किसी नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के जस्ट बिफोर में वोवेल साउंड देता हो, वोवेल हो, तो इट्स ए प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एस टू इट। तो इसके अंत में एस लगा करके प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। लाइक प्रे, पी आर ई वाई, प्रे। लास्ट लेटर वाई आया, वाई के जस्ट बिफोर में सिंगल वोवेल दिया है इसलिए आपको इसमें एस एड करके प्लूरल बना देना है। नेक्स्ट ट्वाय, ट्वाइज, वेली, वेली, डे, डेज, बॉय, बॉयज, रे, रेज। Some nouns form their plural form by changing the inside vowel or vowels of the singular form. कुछ ऐसे noun होते हैं जिनके अंदर के
वॉवेल्स को चेंज करके प्लूरल बनाते हैं. लाइक लाउस, एल ओ यू एस, लाउस मीन्स जू. अब यहां हमें क्या करना है, ओ यू को चेंज कर देंगे आई में, आई सी ई में ये चेंज हो जाएगा. यहां पर हो जाएगा लाउस का लाइस, गूज, गीज, टूथ, टीथ. मैन, एम ए एन, तो इस ए को ई में कन्वर्ट कर देंगे, एम ई एन, मैन. एफ डबल ओ टी, फुट, तो हो जाएगा एफ डबल ओ टी, फीट. वुमेन, वीमन, यहाँ डब्ल्यू ओ एम ए एन, तो डब्ल्यू ओ एम ई एन. इस तरीके से प्लूरल बनाएंगे. हाउएवर ऑक्स, यद्यपि ऑक्स. अब ये आपको कुछ स्पेशली आपको बनाना याद रखना, इसका ऑक्स का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो इसमें ई एन ऐड कर देते हैं, ऑक्सन. चाइल्ड, चिल्ड्रन. मंगूज, तो मंगूजेस, इसमें ई एस ऐड करेंगे. और स्पेसिमैन, स्पेसिमैन्स, ये इसके एक्सेप्शंस हैं, यानी कि अफवाह. इफ नाउन कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स कंपाउंड नाउन, यदि कोई नाउन कई वर्ड से मिलकर के बना हो, अर्थात वो कंपाउंड नाउन हो, तो आपको एस इज एडेड टू द मेन वर्ड, मेन वर्ड में आपको एस ऐड कर देना है. लाइक फादर इन लॉ, तो फादर में एस ऐड कर देंगे, फादर्स इन लॉ. मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ. सन इन लॉ, सन्स इन लॉ. मैट सर्वेंट, तो मैट सर्वेंट्स, यहाँ सर्वेंट में एस ऐड कर देंगे. स्टेप मदर, स्टेप मदर्स. कमांडर इन चीफ, तो कमांडर्स इन चीफ. मैन ऑफ वार, तो एम ई एन, मैन ऑफ वार. तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये वीडियो क्लियर समझ आ गया होगा. और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. और दोस्तों, इसके पिछले वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप पिछले वीडियोज भी देख सकते हैं दोस्तों. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.